फ्रेंड कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G84 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटो का ही पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G73 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो G84 5G को 19,999 रुपये की प्राइस में 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G73 5G को सिर्फ 16,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 3,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G84 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3,000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G73 5G को लेना सही रहेगा, जानने का, क्योंकि एक तरफ मोटो G73 5G में MediaTek का Dimensity 930 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतितु स्कोर की बात करी जाए तो मोटो G73 5G का जो अंतितु स्कोर निकल के आता है वो 4,18,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G का जो अंतितु स्कोर निकल के आता है 4,20,000 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो G84 5G, क्योंकि मोटो G84 5G में 6.55 इंच की फुल HD+ PoE डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G73 5G में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए जाता है पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो G84 5G, क्योंकि मोटो G84 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G73 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करें जाए तो मोटो G73 5G में भी 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G में भी 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो प्राइस में इतना डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि एक तरफ मोटो G84 5G में भी 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G73 5G में भी 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 30W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करी जाए तो मोटो G73 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G84 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो G84 5G का प्राइस 3,000 रुपीज ज्यादा पर यह स्मार्टफोन हर मामले में मोटो G73 5G से आगे निकल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज थे कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G84 5G को ही बाय करें।